इमरान राज के ऊपर एफआईआर काटी हुई है। साबिर शाकिर मुल्क से बाहर गया हुआ है। समी इब्राहिम के ऊपर एफआईआर, यानी ये क्या इस मुल्क में क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्या ये गद्दार हैं? ये वो लोग हैं जो सारी कौम जानती है कि अपने जमीर का सौदा नहीं करता। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की इस्लाहात के लिए अपने कलम को इस्तेमाल करते हैं, अपनी आवाज को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपने इदारों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है, इससे ये रुकने नहीं लगा। हम सब के ऊपर एफआईआर काटी हुई है। मेरे ऊपर को 13-14 एफआईआर है। मेरी पार्टी के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं। इससे कोई डरने नहीं लगा। कौम ये खौफ का बुत तोड़ चुकी है। नियाज अमीर को मैं 35 साल से जानता हूं। मेरे उसने तनकीद की, मेरा मजाक उड़ाया उसने इन 35 सालों में, लेकिन मैंने हमेशा नियाज अमीर की इज्जत की। जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक तो इसकी सख्त मजम्मत करता हूं। जिस तरह लोगों को डराया जा रहा है, खौफ दिलवाया जा रहा है, वो एक सच्चा आदमी है, वो एक ऐसा दानिश्वर है जो एक कौम का असासा होता है, उसको कोई लिफाफा खरीद नहीं सकता। नियाज अमीर वो आदमी है जो अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी लिखाई से कि किसी तरह मेरी कौम की इस्लाहत हो जाए। और मैं दूसरा है आपको पैगाम देता हूं कि अगर किसी का ख्याल है कि लोगों को इस तरह खौफ दिलवा के आप इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे, कभी इस गलत फहमी में ना रहना।